क्यों रहा? मेरी यह मलिन दशा, मेरे पुत्र समान जीवों की यह दशा कब तक? कब तक? और कब तक? मैं हिमालय की पुत्री गंगा, वह गंगा जिसकी चपलता निर्मलता से प्रभावित हो देवगण स्वर्गलोक में ले गए, वह गंगा जिसके लिए रघुवंश के सम्राट सगर के वंशज भागीरथ ने घोर तपस्या की ताकि गंगा धरा पर आकर उनके पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करे। शिवजी की आराधना कर गंगा को थामने का अनुरोध किया और स्वर्ग से बहती गंगा को शिव ने अपनी जटा में समेट कर गंगोत्री से पृथ्वी पर मार दिया। ऋषि मुनि मेरी पवित्रता निर्मलता और देवित्व की महिमा का गान करते रहे। भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरण तरंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरण तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले मम मदिरास्तां तव पद कमले, हर कानंदे परमानंदे निकटे यस्य निवासः खलु वैकुंठे तस्य निवासः। मुझे केवल एक तरणी नहीं वरन एक संस्कृति की जननी माना गया। मेरे ही किनारे गंगा जमनी संस्कृति का विकास हुआ जहाँ विभिन्न धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। मेरे जन्म में कितने ही औषधीय गुण हैं, मानव मुझे देवी के समान मानकर मुझ में दीप दान करते हैं, मेरी आरती करते हैं। जय जय जय। जहाँ साधु संत आम लोग सब एकत्रित हो मोक्ष की प्रार्थना और पाप मुक्त होने की मनोकामना करते हैं।
kumbh ye kumbh kumbh hai dindu kumbh ye kumbh dindu kumbh ye kumbh kumbh hai dindu kumbh ye kumbh dindu kumbh ye kumbh dindu ye kumbh dindu ye kumbh dindu kumbh ye kumbh dindu ye kumbh dindu ye kumbh dindu kumbh ye kumbh dindu ye kumbh dindu ye kumbh 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 ye kumbh dhanya hai dhanya dhanya ye kumbh kumbh kari le kumbh bhari le dhanya dhanya hui jaye re are kumbh kari le kumbh bhari le dhanya dhanya hui jaye re param dhyani amar tu haajal kaaye re जीव जनावर नदी छाण सब एक है बस ऐसे भी में एक प्राण सुन अलग अलग बस रूप है यही तत्व का अंतर दर्शन कुंभ मेला करवाए रे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है मेरे अंदर रहने वाले जीव मेरे आसपास रहने वाले लोग कभी कभी कितने त्रस्त हो जाते हैं केवल मेरी ही नहीं मेरी सखी यमुना की भी दशा आज मेरे जैसी ही है और दूसरी सखी सरस्वती तो विलुप्त ही हो गई জনরে হাহাকার শুনিও নিঃশব্দে নীরবে বুড়াল উই তুমি বুড়াল উই বুয়া বিস্তার হকার প্রজা গুণকার করে হাহাকার নিঃশব্দ সদা ও গঙ্গা তুমি गंगा बहती हो क्यों विस्तार है प्रजा दुनकार करे हाहाकार निःशब्द सदा ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों Thank you.
समझकर मुझे निर्मल चपल बनाने का संकल्प किया, लेकिन फिर भी कुछ स्वार्थी जन अभी भी नासमझ नादान बने हैं। हे मानव, यह कब मेरी व्यथा समझेंगे? भाग्य जननी त्रिलोक पथ गामिनी, जाह्नवी संसार विष नाशिनी, ऐसे ही 108 नामों से पुकारी जाने वाली नदी माँ गंगा मात्र एक नदी नहीं बल्कि समूची भारतीयता की आस्था का जीवंत प्रतीक है। हिमालय की गोद से प्रवाहित होने वाली नदी गंगा पवित्र तो है ही, साथ ही साथ जीवनदायिनी भी है, जिसके पानी में कई औषधीय तत्व पाए जाते हैं। साथ ही इसका निर्मल जल विभिन्न प्रकार के दुर्लभ जीवों का निवास स्थान भी है। परंतु पिछले कुछ दशकों की लापरवाही से गंगा प्रदूषण की भेंट चढ़ चुकी है, जिससे इसके किनारों पर बसे सैकड़ों छोटे बड़े शहर और हजारों गांव आज बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। यदि शीघ्र इस समस्या का निवारण नहीं किया गया तो गंगा नदी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा नदी की सफाई और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की मुहिम की शुरुआत की है। हमारी गंगा शुद्ध होनी चाहिए कि नहीं? आप लोगों ने भी गंगा सफाई में मेरी मदद करनी है कि नहीं करनी है? पक्का करोगे? प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए की धारा कैसे मैं देखूं संतान हूं।